हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी बीएड की काउंसलिंग प्रक्रिया जारी कर दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। डेट वाइज डेट किस तरीके से काउंसलिंग होगी वो पूरा इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए दोस्तों, 6 जून से जैसा यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया था कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, तो 1 से लेकर 2,12,000 रैंक जिनकी आई है उनकी काउंसलिंग कल स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, जिन भी अभ्यर्थियों की रैंक 1 से लेकर 2,12,000 तक है वो कल से अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करा सकते हैं। सभी के लिए काउंसलिंग ओपन कल हो जाएगा। 6 जून को आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए। तथा जो फीस है, यूनिवर्सिटी फ़ीस 5,000 रुपये तथा 500 रुपये वो आप अपनी कल ही कटवा सकते हैं। आपको 3 दिन दिए जाएंगे, 6, 7, 8 और 9। संडे तक का दिन आपका होगा जब आप प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 11 तारीख तक आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी पड़ेगी और रजिस्टर्ड यूज़र के द्वारा, यानी 2,12,000 रैंक जिनकी है मात्र उनके द्वारा ही आप अपनी काउंसलिंग फिलअप कर सकते हैं। जो आप प्रेफरेंस फिल करेंगे, जो भी कॉलेज आप फिल करेंगे, उसके बाद आपको वो कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। यदि आपको वो कॉलेज अलॉट होता है तो सही है, यदि नहीं होता तो आपकी वो फ़ीस वापस हो जाएगी। यदि ये देखेगा साफ लिखा है, यदि आपको कॉलेज पसंदीदा कॉलेज मिलता है, डिसीजन मेकिंग एंड फाइनल सीट कन्फर्मेशन विद पेमेंट ऑफ कॉलेज फीस। यदि आपका कॉलेज में नंबर आ जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन तब होगा जब उस कॉलेज में आप एडमिशन ले लेंगे। यदि आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा तथा आपकी फ़ीस रिटर्न कर दी जाएगी तथा 18 तारीख को पहले फेज की काउंसलिंग बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि राउंड फर्स्ट जिनकी 1 से 2,12,000 तक रैंक है उनको लगभग 12 दिन दिए गए हैं, जिनमें उन्हें लगभग 5 दिन दिए गए हैं कॉलेज चॉइस के रजिस्ट्रेशन के। 6ठा दिन सीट अलॉटमेंट का होगा और 15 तारीख लास्ट होगी जब तक आपको अपना एडमिशन कंफर्म कराना पड़ेगा कॉलेज में। यदि आपका चॉइस फिलिंग में नंबर आ जाता है और आप कॉलेज में फीस सबमिट नहीं कराते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड चरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से काउंसलिंग फिलिंग और 26 जून तक प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी और 1 जुलाई से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यदि तभी भी सीट नहीं भरती तो उसके बाद आपकी पोल प्रक्रिया होगी, यानी जो अपने काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं तो जिन कॉलेजों में बीएड की सीट वैकेंट हैं, खाली हैं, वो डायरेक्ट जाकर इन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये काउंसलिंग प्रक्रिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। आप इस प्रक्रिया को पूरी को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है उससे पूरा जानकारी आप ले सकते हैं। तो बाकी जो भी जानकारी है इसे सुबह हम अपनी वीडियो में, स्पेशल वीडियो में डिस्कस करा देंगे, जिसमें आपको बताएंगे स्टेप बाई स्टेप कि आप किस तरह कॉलेज फिलअप करें, किस तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज छांटें ताकि आपको सुविधा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।